सिरोंज नगर पालिका में सफाई कर्मियों व हेल्थ ऑफिसर की लड़ाई सतह पर आई। कुछ सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे, कुछ सफाई कर्मचारी काम पर गए। हम सब एक संगठन में हैं और हमारे मीडिया पत्रकार भी यहाँ आ गए हैं। निवेदन धीरज मैना, धीरज मैना नगर पालिका है। हमारे एको साहब का ट्रांसफर होगा तभी हमारी हड़ताल खत्म होगी, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाल गंगट है, मैं अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ट्रेड यूनियन से प्रदेश महामंत्री हूँ। किस वजह से आप हड़ताल पे बैठे हो? सर हमारे सफाई कर्मचारियों के विषय में हड़ताल पे बैठे सफाई कर्मचारियों पर हमारे यहाँ श्रीमान एचओ साहब धीरज मीणा जी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसके खिलाफ हम आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है? संजीव करोशिया। नगर पालिका में क्या पद पर हैं? मैं सफाई दरोगा भी हूँ और साथ में प्रभारी एसआई भी हूँ। जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं उनका आरोप है कि आपके ऊपर एचओ साहब का दबाव है, जिसको लेकर आप धरने में शामिल नहीं हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। कोई दबाव नहीं है एचओ साहब का। एचओ साहब हमारे प्रभारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है साफ सफाई के संबंध में, समय समय पर उस शहर की सारी सफाई व्यवस्था को संभाला जाता है। तो यह आपका इसमें धरने पर बैठे हैं लोग, क्या उनमें आपका समर्थन बिल्कुल नहीं है? जी नहीं, मैं इसमें समर्थन नहीं करता। तो हड़ताल है जो इन लोगों के द्वारा प्रशासन को अवगत कराया है और जिस विषय को लेके ये हड़ताल कर रहे हैं उसमें इनका विषय है कि एक रिटायर्ड सफाई कर्मचारी की विदाई पार्टी को निकाय द्वारा ना मनाए जाने के संबंध में इनका आरोप है कि उसमें मेरे द्वारा कोई रुकावट की गई है, जबकि तत्कालिक नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय मनमोहन सिंह जी और नगर पालिका के हमारे पार्षद इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, उनके द्वारा कर्मचारी का सम्मान किया जा रहा था। कर्मचारी उनका अपमान करके, परिषद के पार्षदों का अपमान करके वो लोग मनाते रहे, अध्यक्ष जी हमारे मनाते रहे कर्मचारी का सम्मान करने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं माने और यहाँ से चले गए। उसी चीज़ को लेके ये आज हड़ताल पे बैठे।